नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। काशी विद्यापीठ के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के लगातार आप सब परेशान हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ, डेली कमेंट्स भी आ रहे हैं, लगातार आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और आप सबका एक ही सवाल है कि सर काशी विद्यापीठ के एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहे हैं यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्स का। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अगर आप काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कोई भी यूजी पीजी डिप्लोमा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, लाइक बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए, माफ करिएगा बीबीए तो नहीं है, बीसीए है, बीएफए बीएमयूज एमएमएससी एमकॉम एलएलबी बीएलबी या ढेरों सारे बीपीएड एमबीएड कोर्सेस हैं, अगर आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, काशी विद्यापीठ में फॉर्म भरना चाहते हैं या काशी विद्यापीठ में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। काशी विद्यापीठ खुद से इन जो है कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है, तो फॉर्म को लेकर के जो आपका इंतजार है वो जल्दी समाप्त होने वाला है। हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि लगातार हम लोग भी कुछ ना कुछ आपको अपडेट दे रहे हैं, और आपने देखा पिछले हफ्ता हम काशी विद्यापीठ में गए भी हुए थे, तो वहां से भी हम लोगों ने ग्राउंड लेवल की जो है रिपोर्टिंग आपको दी थी, बताई थी। देखिए, अब हम लोग चूंकि 3 से 4 बार हम लोग जो वहाँ की आपकी कुल सचिव मैम है सुनीता पांडे मैम, जो पूरा एग्जाम का डिपार्टमेंट देखती है, उनसे बात हुई, तो उनका 2 से 3 तरह का स्टेटमेंट आया है। पहला स्टेटमेंट ये है कि बेटा एजेंसी चेंज हुई है, यानी कि जो ऑनलाइन वाली एजेंसी पूरी देखती है वो चेंज हुई है। फिर उनका कहना था कि इस बार काशी विद्यापीठ में कुछ नए कोर्सेस ऐड हो रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, मीटिंग अभी चल रही है, कोर्सेज की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। फिर उन्होंने एक बार कहा कि बेटा सब कुछ हम लोग तरफ से फाइनल है, कुछ ऑनलाइन का मसला है, कोई सामर्थ्य पोर्टल से कुछ ऐड करने की बात चल रही है, चलो ठीक है भाई। फिर उन्होंने कहा कि बेटा अभी जो है सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो कहने का मतलब है कि तरह तरह की बातें जो है, जब जब हम लोग गए वहां पे या फिर जिस भी तरह से, जिस भी माध्यम से हम लोगों ने पता करने का प्रयास किया, कुछ ना कुछ उन्होंने एक्सक्यूज दे करके बात को टाल दिया और कहा कि जल्दी आएगा, मीटिंग के बाद बताया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चूंकि गए थे जो है 10 के आसपास हम लोग गए थे वहाँ काशी विद्यापीठ में 9 या 10 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि बेटा 13 तारीख को इसकी फाइनल मीटिंग है, हम लोग तरफ सब कुछ प्रिपेयर हो गया है, 13 तारीख को ऑनलाइन एजेंसी से बातचीत होनी है, नया टेंडर किसी नई एजेंसी को सौंप रहे हैं, जो भी है मसला। अब इन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं देखिए मैं आपको ये सारी बातें एक्सक्यूज गिना रहा हूँ कि इस प्रकार के उनके एक्सक्यूज हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा 13 जो है मई के बाद जो है आपको अपडेट मिल जाएगा, 13 मई के बाद आप आकर आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि हम तो जा नहीं पाए, व्यस्तता चल रही है, लेकिन हमने वहाँ एक स्टूडेंट हमारा है जो पढ़ता है, तो मैंने उनको वहाँ भेजा कल जो है 14 तारीख, कल क्या है तो 18 हो गया है, 14 तारीख भेजा, तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी आप मीटिंग हुई नहीं है, 15 के बाद आइएगा, चलो ठीक है भाई। अब 15 के बाद भी गए वो, कल 17 तारीख को भी वो गए वहाँ पता करने के लिए, तो उनका कहना है कि थोड़ा सा हो जाइए, मतलब थोड़ा 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 करके मैं देख रहा हूँ कि 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई भी समाप्त हो गया, मतलब एक महीना समाप्त हो गया है और फॉर्म नहीं आया। हालांकि फॉर्म आ जाएगा इस महीने, पूरा चांस है 110% फॉर्म आ जाएगा, अब 1-2 दिन डिले हो रहा है। अब इसका क्या रीजन है काशी विद्यापीठ हम उससे खुद वो बात शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। हालांकि हम लोग वहीं के स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सक्यूज बस दिया जा रहा है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दी जा रही है। तो बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि फॉर्म आपका इस महीने में आ जाएगा, आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो जुलाई में होगा, जुलाई से पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पाएगा, जून में ऑलरेडी ढेरों सारे एग्जाम कंडक्ट होने हैं, तो इतना आप जान लीजिए कि आपकी प्रवेश परीक्षा जुलाई में होने वाली है, ठीक है। तो जुलाई में प्रवेश परीक्षा होगी, लेकिन इसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। फ्री बैचेस भी हमारे यूट्यूब पर चल रहा है, उसका फ्री PDF आपको डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और पेड बैचेस भी हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चल रहे हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि फॉर्म आएगा अपने समय पे, फॉर्म भरेंगे वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन आप अपनी तैयारियों को करिए ना, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। प्रिपरेशन तो जल्दी कर नहीं पाएंगे आप, फॉर्म तो एक दिन में भर देंगे, घंटे में भर लेंगे फॉर्म आप लोग, लेकिन तैयारी करनी जरूरी है, ठीक है। तो तैयारी करिए, इसके बावजूद अगर आप में कोई डाउट कंफ्यूजन, कोई दुविधा, किसी प्रकार का प्रश्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगले वीडियो में उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। और जैसे फॉर्म आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।